नमस्कार, झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत में पिछले 24 घंटा में 826 नए केस के साथ 28 लोगों की मौत हुई, साथ ही 1515 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 12,759 हो चुका। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रमण पर रोकथाम के लिए WHO से बात की है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार 17 से 21 अप्रैल तक झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ जगहों पर आंधी के साथ वज्रपात भी होंगे। धनबाद जिला में संक्रमित का पहला मामला सामने आया है, उपायुक्त अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की है। खबरों के अनुसार संक्रमित युवक 23 वर्ष का है। झारखंड में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है। निजी स्कूल 1 माह का बस भाड़ा नहीं लेंगे। खबरों के अनुसार शिक्षा मंत्री के अपील के बाद रांची के CBSE स्कूल 1 माह का बस किराया नहीं लेंगे, साथ ही स्कूल शुल्क जमा करने के लिए अभिभावक पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे और 6 माह तक कोई लेट फाइन भी नहीं लिया जाएगा। 10 जून से खुलेंगे झारखंड के स्कूल। खबरों के अनुसार झारखंड के सभी सरकारी स्कूल 10 जून से खुलेंगे। स्कूल में गर्मी छुट्टी में कोई कटौती नहीं होगी, साथ ही 9वीं कक्षा तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है और 11वीं के बच्चों को भी बिना परीक्षा पास कर दिया गया। झारखंड के प्रधान सचिव ने बताया कि लंबित पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल 9 से 4 बजे तक चलाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता प्रोग्राम ऐप को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंट्रोल रूम नंबर पर अब तक 24,000 कॉल्स आया, जिसमें 70% को सहायता मिल चुका है। राज्य भर के लगभग 8 लाख मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, जिन्हें इस ऐप के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर मदद पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐप में अपना नाम और आधार नंबर देने के साथ एक फ़ोटो भी देना होगा, जिससे हम उन्हें वेरीफाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल नंबर के द्वारा OTP भेज कर रीवेरीफाई किया जाएगा और बैंक खाता में पैसा भेजा जाएगा। झारखंड सरकार मंगाएंगी 1 लाख रैपिड टेस्टिंग किट। खबरों के अनुसार जांच में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 लाख रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया है। केंद्र सरकार से मात्र 10,000 किट मिलने के बाद हेमंत सरकार ने अपने स्तर से 1 लाख रैपिड किट मंगवाने की योजना बनाई है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में लॉकडाउन में ढिलाई पर दिखाई सख्ती। खबरों के अनुसार बुधवार को जस्टिस संजय कुमार ने मुख्य सचिव, रांची के DC और SSP को प्रतिवादित बनाया। हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार ने लॉकडाउन और संक्रमण वाले इलाके के लिए निर्देश जारी किए हैं, उनका पालन कराना जिला प्रशासन का दायित्व है, लेकिन प्रशासन सख्ती से पालन कराने में सक्षम नहीं है। लोहरदगा जिला में भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर रामजीत नागेशिया ने आत्मसमर्पण किया है। बताया जाता है कि भाजपा माओवादी रविंद्र गंजू के दस्ते का बड़ा कमांडर था। यह बूढ़ा पहाड़ में भी रह चुका है। यह कई स्थानों पर पुलिस मुठभेड़ में भी सम्मिलित रहा है। छोटी जिला में राशन के नाम पर तंबाकू बेचने वालों को हिरासत में लिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आरोपी राशन दुकानों में राशन वितरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास निर्गत कराकर राशन के नाम पर तंबाकू उत्पादों का कारोबार कर रहा था। प्रशासन ने वाहन जांच के दौरान आरोपी को पकड़ा है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, साथ ही आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।